अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ अलाइड हाई स्कूल कोट सुल्तान. टुडे आई विल बी टीचिंग यू साइंस फॉर क्लास 7th एंड आई विल ट्राई टू एलैबोरेट माई टॉपिक एंड इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. टुडे माई टॉपिक इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द बुक इज दिस सेकेंडरी साइंस 2 पेज नंबर 2 एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके. Regarding the food we eat, it falls into the 5 basic categories. I have elaborated it, and the basic is carbohydrates, proteins, fats, minerals, and vitamins. The carbohydrates. Carbohydrates, they include the sugar, starches, और मोस्टली इसमें हमारे पास गंदम हो गया, चीनी, हमारे पास ये बेसिक जो आती हैं जिसमें हमारे पास एनर्जी गिविंग ये सब्सटेंसेस होती हैं. इससे हम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स जब आप कंज्यूम करते हैं इससे आपको एनर्जी मिलती है. दीज आर एनर्जी रिच फूड्स. ठीक है. फिर सेकेंड जो हमारे पास आ जाता है वो है प्रोटीन्स. प्रोटीन्स जो होती हैं वो हमारे पास रिपेयरिंग इन द बॉडी टिश्यूज़ में इन्वॉल्व होती हैं. और प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलेंगी? दे विल बी कमिंग फ्रॉम मीट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीट्स, पल्सेस, दालों में से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं. और हमारे डैमेज जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसकी रिपेयरिंग में हमारे पास प्रोटीन इन्वॉल्व होती है. फिर हमारे पास आ जाता है फैट्स. फैट्स के अंदर हम कहते हैं कि फैट्स हमारे इंसुलेटिंग लेयर होती है उसकी अंडर द स्किन. अब इंसुलेशन क्या है कि जब आपकी हीट है या कोल्ड इन्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी टेम्परेचर को वो रेगुलेट करेगी फैट. और फैट्स हमारे पास मोस्टली आ जाते हैं जो घी हो गया, कुकिंग ऑयल्स हो गए, डिफरेंट किस्म के, दे कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स और फैट्स. इसके अलावा हम कह देते हैं कि फैट्स जो होते हैं ना वो हमारे पास ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन कंट्रास्ट टू द प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. अब प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली 4 किलो कैलोरीज देते हैं एनर्जी, और फैट्स हमारे पास 9 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं पर ग्राम्स. फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है मिनरल्स. मिनरल्स के अंदर हम कह देते हैं कि डिफरेंट मिनरल्स आ जाते हैं जो हमारे पास बोन और टीथ ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं. इसमें हमारे पास कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया एंड एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, दे आर इन्वॉल्व हमारी टीथ और फर्दर जो बोन ग्रोथ के अंदर. हमारे पास हम कहते हैं कि इन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है. अब ये होता है कि मिनरल्स हमारा ये होता है कि इसको हमें टाइनी क्वान्टिटीज़ में या हम बहुत माइन्यूट क्वान्टिटीज़ में हमें ये चाहिए होता है, क्योंकि बेसिकली ज़्यादा क्वान्टिटीज़ में अगर लेंगे तो वो टॉक्सिसिटी की तरफ जा सकते हैं मिनरल्स. तो उस हिसाब से हम कम क्वान्टिटीज़ में अगर हमें मिनरल्स मिल जाएँ तो दैट्स इनफ. इसके बाद हम कह देते हैं कि वाइटमिन्स. नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है वो है वाइटमिन्स. वाइटमिन्स के अंदर हम कहते हैं कि ये भी टाइनी क्वान्टिटीज़ में हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं. इसमें वाइटमिन ए, बी, सी, ये इस किस्म की कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं. और जो वाइटमिन्स हैं वो मोस्टली हम कह देते हैं, जैसे वाइटमिन सी आपने सुना होगा, मोस्टली वाइटमिन सी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है हमारी डाइट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ जो ऑरेंजेस हैं माल्टों में, हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स, इस तरीके से हमारे पास ये वाइटमिन सिट्रस फ्रूट्स के अंदर अवेलेबल होता है. और मोस्टली वो कहते हैं कि हमारे पास जो लाइफ टाइम हमारे पास सप्लाई है वाइटमिन्स की वो 250 ग्राम्स तक हमें चाहिए होती है वाइटमिन्स की. इसके अलावा जो हमारे पास हेल्दी डाइट के अंदर आ जाता है वो है हमारे पास वाटर. ये तो 5 कैटेगरीज हैं दैट आर रिक्वायर्ड इन द फूड्स. ठीक है. और जो फर्दर हमारे पास फर्दर न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें वाटर आ जाता है. वाटर का हम कहते हैं कि हमारे पास डाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, और दूसरा जो हमारे फूड हम इनटेक करते हैं उसकी डिसॉल्विंग के अंदर इन्वॉल्व होता है, और वेरियस अदर जो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें हम वाटर का यूटिलाइजेशन होता है. और फिर एक और जो न्यूट्रिएंट है हमारे पास वो आ जाता है फाइबर. फाइबर की जब हम बात करते हैं तो फाइबर हमारा बल्क बनाने में काम आता है. हमारी डाइजेशन के अंदर जो है हमारा जो पैसेज है फूड का उसको ईज़ कराता है. मतलब जब आपका फूड पास कर रहा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम से, जो अभी मैं आपको फर्दर ब्रीफ करूँगी, जब वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से पास कर रहा होता है फूड, तो उसकी जो पैसेज है यहाँ से आपका जो फर्दर मूव करेगा फूड, उसके पैसेज को वो ईज़ प्रोवाइड करेगा, उसके लिए आसानी पैदा होगी कि फूड ईजिली मूव कर जाए पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में.